किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी में कभी भी बिना संघर्ष के आपको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि आपने देखा होगा कि बिना पतझड़ के पेड़ पर भी पत्ते नहीं आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूँ अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, आज का वीडियो है वह पुनः एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का है, लेकिन आज का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वह हमारा मैथ का है, और यह हमारा जो SSC CHSL का जो एग्ज़ाम है और उसका जो 2020 में जो एग्ज़ाम लिया गया था उसमें मैथ का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था उस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर हम कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला हमारा एक क्वेश्चन है कि जॉन पिछले महीने 80 रुपये की दर से पेट्रोल खरीद रहा था, अब वह 85 रुपये की दर से पेट्रोल खरीदता है, तो बोल दिया है कि पिछले महीना की तुलना में पेट्रोल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मतलब बोल रहा है कि जो जॉन नाम का एक व्यक्ति है वह 80 रुपये की दर से पहले पेट्रोल खरीदता था पिछला महीना यानी पहले, अब वह कितना की दर से खरीद रहा है, यानी पहले खरीदता था 80 की दर से, अब वह 85 रुपये की दर से खरीद रहा है। तो बोल रहा है कि जो उसमें पेट्रोल के दाम में वृद्धि हुई है वह कितना प्रतिशत हुई है। सिंपल सा क्वेश्चन नहीं बोला है कि कितना प्रतिशत, देखिए तुलना कर दिया है कि पिछले महीना की तुलना में, यानी जो हमारा पिछला महीना 80 रुपया मिल रहा था इसकी तुलना में जो हमारा अभी 85 रुपया हुआ है, जितना दाम बढ़ा है वह हमारा कितना प्रतिशत दाम बढ़ा है। तो देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन जब भी आते हैं, देखिए पहले हमारा था 80 रुपया, 80 से 85 हुआ है तो कितना रुपया बढ़ा है, तो हमारा देखिए यहाँ पे हो जाएगा यानी 5 रुपया। 5 रुपया चूँकि बोल दिया कि पिछले महीना की तुलना में, तो पिछला महीना की तुलना करना है तो पिछला महीना में कितना था पैसा, तो कितना रुपया था, तो देखिए 80 रुपया था, और चूंकि प्रतिशत की बात किया है इसलिए हम इसको 100 से गुना कर देंगे। अब इसे आप काट लीजिए, 10 से 10 कट गया, इसे आप 2 से काटिएगा तो आपको 4 बार में, और इसे आपको 5 बार में, यदि आप इसे कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 25/4। हाँ, 25/4 हो जाएगा। अब इसे आप काटिएगा तो आपको आएगा 6.25%, यानी यही हमारी इसमें वृद्धि हुई है, यानी इतना प्रतिशत जो है पिछले महीना की तुलना में हमारी बढ़ी है पेट्रोल के दाम में। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, इसे आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। देखिए, इसमें चूंकि हम समझा भी रहे हैं, बोल दिया है कि पिछला महीना जो है 80 रुपये खरीदा था, अब वह 85 रुपये खरीद रहा है, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि उसमें वृद्धि हमारा 5 रुपया का हुआ है। पूछ दिया है पिछले महीना की तुलना में, यानी पिछला महीना कितना था, तो 80, और चूँकि यहाँ पर प्रतिशत की बात कर दिया है इसलिए 100 से गुना कर दिए हैं। बाकी आप लोग सोल्व कर दीजिए, आपको इतना आ जाएगा। ये देखिए हमारा क्वेश्चन पिछले SSC CHSL एग्जाम का 2020 में यह क्वेश्चन जो है पूछा गया था। चलिए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। हाँ, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बोल दिया है कि निम्न का मान ज्ञात करना है। देखिए यहां पे मान ज्ञात करें, सिंपल सा लिख दे रहे हैं। देखिए कैसे दिया है, थोड़ा छोटा लिखा जा और एक पूरा, इसी का बोल दिया है मान ज्ञात कर देना है। देखिए आपको रूल नियम हो जाएगा बोर्ड मास से, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड और सब्ट्रैक्ट, यही इसका अथी होता है, मतलब फुल फॉर्म देखिए। सबसे पहले आप इसमें बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट को हटाना है यहाँ पे, ये नहीं करना है कि इसको आपको जोड़ देना है घटा देना है अभी नहीं, पहले ब्रैकेट बी बी ओ डी बोर्ड मास के नियम से बनेगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, सोल्व कर दे रहे हैं, 15 + 90 89 माइनस, इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं,
अब देखिए सबसे पहले छोटा वाला कीजिए, 33 माइनस 21, ठीक है, क्योंकि हम शॉर्ट काफ़ी कर सकते थे लेकिन आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको अभी हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ पे देखिए 9 × 8 कर दीजिएगा आप, यदि 9 × 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 72। अब देखिए यहाँ पे इसको आप लोग कीजिए 33 और 21 कितना हो जाएगा दोस्तों आपको, देखिएगा 33 में से 21 जाएगा आपको हो जाएगा 12। इसको कीजिए उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट 90 89 माइनस 72 और 12 कितना हो जाएगा हमारा 84। उसके बाद -15 + 90/5, कैसे 5, यह 89 में से चला गया 84 हमारा 5 आया, और यहाँ पे देखिए 15 + 5 से यदि आप 90 को काटिएगा तो 18 × 5 = 90, यानी इसका हमारा, और इसे अब सोल्व कर दीजिएगा तो आपको कितना आएगा दोस्तों हमारा केवल 3 इसका सही आंसर आ जाएगा। हाँ 3 इसका सही आंसर, यही देखिए कैसे किए, देखिए समझ रहे, यही देखिए हमारा क्वेश्चन दे दिया है और बोल दिया है कि इसे आप लोग हल कीजिए। अब हल कैसे करना है ये भी आप देखिए, यहाँ पे देखिए दे दिया है इस टाइप से। तो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, बोर्ड मास का नियम लागू नहीं करते और यहीं से सोल्व करना शुरू कर देते हैं, -15 + 90 इसको जोड़ घटाओ कुछ कर देंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखिए यह बोर्ड मास के नियम पर बनेगा, और सबसे पहले BODMAS इसका होता है MAS, उसके बाद देखिए क्या बोलता है, बी से होता है ब्रैकेट, सबसे पहले आपको ब्रैकेट हटाना है। तो ब्रैकेट भी कब से हटाना है, सबसे बड़ा ब्रैकेट से शुरू नहीं करना है, मतलब यदि छोटा ब्रैकेट है तो छोटा को आप तोड़ते तोड़ते आइए और ब्रैकेट को हटाते जाइए। यहाँ पे 89, इसके बाद देखिए यहाँ पे 33 × 3 × 7 हमारा क्वेश्चन है, आगे देखिए एक ये यहाँ पे 89, उसके बाद यहाँ ये छोटा ब्रैकेट को तोड़े 33 में से 21 घटा दिए आपको 12, फिर आगे देखिए 15 + 90 ये 89 जस का तस उतारे, 9 × 8 = 72 ये प्लस, और 33 में से 21 जाएगा आपका 12 होगा, उसके बाद -15 + 90 ये अभी जस के तस लिखेंगे, उसके बाद भाग, उसके बाद इस 89 लिख दिए माइनस, 72 और 12 को जोड़िएगा तो 84 आपका आ जाएगा, -15 + 90 और ये 89 में से 84 घटाइएगा आपका 5 आएगा, और 5 से यदि आप 90 को भाग दीजिएगा आपको 18 बार में आएगा, और -15 + 18 बराबर हमारा आंसर हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा दोस्तों, देखते हैं दिख रहा है कि नहीं, हाँ अच्छी तरीके से दिख रहा है, चलिए आगे देखिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं है ये है, हाँ आगे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल दिया है कि कुछ हमें समीकरण टाइप के दे दिया है और बोल दिया, देखिए क्या दिया है, x − 2y = 3 और xy = 5, और हमें बोला क्या है कि x²−4y² = 1। तो देखिए दोस्तों इसे निकालने के लिए ये आपको निकालना है, तो सबसे पहले आपको xy का अनुमान निकालना होगा, और xy का हमें कन्फर्म दिया हुआ नहीं है, तो देखिए कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे दिया है x − 2y = 3, या तो आप यहाँ से x का मान निकाल लीजिए या फिर यहाँ से जहाँ से आपको सहूलियत पड़े, ये हमारा इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट हो गया, और यहाँ पे देखिए x = 5/y कर सकते हैं, हाँ देखिए कर सकते हैं, y का लिख लेते हैं, हालांकि किसी का भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा y का लिख लीजिए, y = 5/x, ये हमारा समीकरण सेकेंड। अब इस y का मान इसमें रख दीजिए, देखिए x − 2 × y हमारा कितना है
5/x = 3 इसे आप लोग सोल्व कीजिएगा तो x-10/x = 3 इसे आप लोग एलसीएम का जोड़ घटाव जो कर घटाव कीजिए तो आपका हो जाएगा x²-10 = 3x। इसे एक तरफ कीजिए x²-3x - 10 = 0। अब इसे आप लोग तोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब आपको ऐसा तोड़ना है कि यदि हम गुना करें तो 10x² आ जाए और यदि हम घटाएं तो हमारा घटाएं या फिर जोड़े तो -3x आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि इस 3x यहाँ पे इस टाइप से हम संख्या रखें कि यदि गुना करें वो दोनों संख्या, दो संख्या में तोड़ना है, यदि गुना करें तो हमारा 10x² आ जाए और यदि घटाए या फिर जोड़े तो -3x आएगा। तो देखिए दोस्तों कैसे होगा, x²-5x + 2x - 10 = 0। दोस्तों देखिए इसे हम लोग समझा नहीं सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसे हम और विस्तार से नहीं बता सकते क्योंकि ये हमें 9th-10th में पढ़ने को मिलता है और यहाँ पे देखिए अभी विस्तार से बताने लगेंगे तो अभी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है। हाँ, इसका एक हम अलग से वीडियो बना सकते हैं, उसे हम बना देंगे, लेकिन इसको और विस्तार से अभी हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि नहीं तो फिर पूरा अभी वीडियो को जो और क्वेश्चन बाकी है सबका समय यही ले लेगा। देखिए कैसे हम बोले थे कि यदि हम गुना करें, इसी को ना आखिर अभी हम लोग लाए हैं, इसी को ना बीच में लाए हैं, गुना करें तो हमारा 10x² आना चाहिए, -10x। हाँ यहाँ पे देखिए माइनस है तो -5x - 2x कीजिएगा तो -10x² आ जाएगा और यदि इसे जोड़िए घटाइएगा तो हमारा -3x आएगा। देखिए कैसे -5x में से +2x = -3x आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या है तो x-5 + 2 इसमें से कॉमन लीजिए तो x-5। अब देखिए हमारा एक हो गया x + 2 = 0 और एक हो गया x-5 = 0। एक x का मान आ गया हमारा -2 और एक x का मान आ गया हमारा 5। अब देखिए अब यहाँ पे आप यदि कोई इस समीकरण में यदि आप x का मान रख देंगे ना तो हमारा y का मान आ जाएगा। देखिए y बराबर थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं कि इधर लिखते हैं क्योंकि चमक जब x = 5 तब y = 5 और x का मान हम कितना रखे हैं 5 यानी 1 और जब x - 2 तब y = 5/x तो 5/-2। अब देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे x का भी मान निकल गया -2। हाँ देखिए एक x का मान निकल गया, y का भी मान निकल गया तो हमारा इसका नहीं निकल जाएगा। देखिए हम यही ना निकालना है x²-4y² = यही इसी का नाम मान निकालना है। x का मान हमारा कितना है 5, 5 का स्क्वायर हमारा 25 -4 × y के मान कितना आ रहा है 1, 1 का स्क्वायर 1 कीजिएगा 25 में से 4 घटेगा हमारा 19 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बोलिएगा कि वहाँ पे कंपटीशन है तो इसको हम इतना करने जाएंगे। दोस्तों देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको करना ही पड़ेगा। हाँ थोड़ा सा फास्टली कीजिए आप, इसके बारे में और हम शॉर्ट विधि इसका नहीं बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों और यदि और विधि की बात करें तो और थोड़ा सा इससे लॉन्ग प्रोसेस ही जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको आपको वहाँ पे फास्टली करना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। आगे देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कहा है, आगे हमारा क्वेश्चन है कि 15 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं।
देखिए बोला कि 15 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, एक एक नियम का हो जाता है, M1 D1 बराबर M2 D2 हो जाएगा। M1 यहाँ पे देखिए हमारा मैन की संख्या, यानी यही देखिए यही सूत्र लगेगा। देखिए हमारा M1 कितना है, यानी पहली बार कितना आदमी है हमारा 15। कितना D1 यानी डे, तो D1 यानी पहला बार कितना दिन लगा रहे हैं, तो 10 दिन। अब दूसरा बार में बोल रहा है कि कितना आदमी हो जा रहा है दूसरा बार, तो दूसरा बार हमारा देखिए 20 आदमी हो जा रहा है। और D2 क्या चीज़ है, तो D2 हमें मालूम नहीं है, D2 हमें पता नहीं है, वही तो हमें निकालना है। तो देखिए आप इसको लिख दीजिए, M1 D1 बराबर M2 D2। M1 का मान कितना है दोस्तों हमारा, 15 × 10 हो जाएगा, और इधर हमारा हो जाएगा 20 × D2। यदि आप इसका D2 के मान निकाले, तो 15 × 10 यानी 150/20 बराबर D2। इसे आप लोग काट दीजिएगा, तो 0 से 0 और 2 से 15 को काटिएगा, तो 7.5 यानी D2 का मान, यानी 7.5 दिन में दोस्तों ये जो 20 आदमी है वह उस काम को कर सकते हैं। यानी कोई जो काम है उसको 15 आदमी यदि 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 20 आदमी उस काम को कितना दिन में करेंगे दोस्तों, 7.5 दिन में। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा दोस्तों, इसे आप लोग उतार लीजिएगा। दोस्तों जो आज हम जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब ESSC CHSL 2020 के जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें पूछा जा चुका है, Tier 1 का ये सब क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखिए आगे हम लोग, आगे देखिए क्या चीज बोल दिया है, यदि कोस थीटा, त्रिकोणमिति का आ गया दोस्तों कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटा में कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 8, तो कोट थीटा बराबर 8। देखिए दोस्तों कोट थीटा बराबर आप समझते हैं, कोट थीटा बराबर कहने का मतलब है आपको, कोट थीटा का बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा, यानी इसी का मान निकाल देना है। अगर इतना आ जाएगा ना तो उसको हम लोग कोट थीटा लिख सकते हैं, और यदि चाहे हमारा साइन थीटा बटा में कोस थीटा आ जाए तो इसे हम लोग कहते हैं टैन थीटा। तो हमें इसका मान निकालना है, यानी कोस थीटा बटा में साइन थीटा ला दीजिए, आपको कोट थीटा आ जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना, इसको सोल्व कीजिए, आपको देखिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर ये 8 से गुना कर दीजिए, तो 8 कोस थीटा हो जाएगा माइनस 8 साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए कोस थीटा को एक साइड और साइन थीटा को एक साइड कर लीजिए, देखिए इधर कीजिए साइन थीटा, इधर माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 8 साइन थीटा बराबर ये बचा 8 कोस थीटा, इधर है प्लस, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है दोस्तों। एक साइन थीटा 8 हुआ, यानी हमारा कितना हो गया 9 साइन थीटा बराबर 8 गो में से एक घट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 7 कोस थीटा। अब यदि दोस्तों हमें क्या लाना है, कोस बटा साइन थीटा लाना है, तो कोस बटा साइन थीटा लाने के लिए 9 को यही रहने दीजिए और ई वाला 7 को इधर ला लीजिए बराबर कोस थीटा, यही रह जाएगा, ए वाला बटा में चल जाएगा हमारा साइन थीटा। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
कोट थीटा, यानी कोट थीटा का मान कितना आया दोस्तों, कोट थीटा का मान ही हमारा आ गया 9/7, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए दोस्तों फिर से आपको थोड़ा समझ, कोट थीटा का मान पूछा है, कोट थीटा मतलब यही होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, इसको हम लोग सोल्व कीजिए बाई क्रॉस, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई किए, एक से इसमें किए तो इतना ही रह गया, आठ से किए तो इतना आया, उसके बाद देखिए साइन थीटा वाला के एक साइड और कोस थीटा वाला के एक साइड कर लिए हैं, देखिए वही किए, उसके बाद आगे प्रोसेस आपको खुद समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा इसको हम लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं दोस्तों, फोटो खींच लेते हैं जिससे कि हमें मतलब थंबनेल लगाने में आसानी हो। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको आगे देखिए क्या बोला है दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि 6300 रुपया को एक्स वाई जेड इस प्रकार बांटा जाता है कि इस प्रकार बांटा जाता है कि x अनुपात y बराबर 7:5, 7:5 और y अनुपात z बराबर 4:3 है, तो y के हिस्से में कितना धनराशि आई है, तो y के कितना धनराशि, ठीक है दोस्तों यही बोल दिया है, बोल दिया है कि एक्स वाई 6300 टोटल रुपया है 6300, उसको तीन ठे व्यक्ति है, तीन ठे मतलब है एक्स वाई जेड, उसको व्यक्ति चाहे कुछ भी बोलिए, उनके बीच इस प्रकार बांटा जाता है। देखिए एक्स वाई के बीच अनुपात की बात करें तो उस जो 6300 रुपया है ना उसको बांट देते हैं 7:5 के रूप में, और जो वाई जेड उसको बांट देते हैं 4:3। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा, अब पूछ दिया है कि y के हिस्सा में, आप देखिए आपको थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होगा कि अगर मान लीजिए केवल यहाँ पे अगर y एक केवल y रहता तो आप सीधा लिख देते हैं कि कुल रुपया रुपया गुना y के हिस्सा बटा में कुल अनुपात अनुपात लिख देते हैं, लेकिन अब y के कौन हिस्सा की बात की जाए, e वाला हिस्सा लेंगे y वाला या फिर e वाला, तो देखिए इसको y को आप ऐसा कीजिए कि दोनों जगह सेम आ जाए, कहने का मतलब इसमें कुछ ऐसा गुना कीजिए कि यदि y में यदि 10 आए तो नीचे भी उसी टाइप से लाइए कि हमारा चेंज भी ना हो अनुपात में और y के मान भी दोनों में एक हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ कीजिएगा आप, इस जो अनुपात है ऊपर वाला में इस यहाँ पे आप 4 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कीजिएगा आप दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 28:20। अब नीचे वाला में भी आपको चूंकि y यहाँ पे 20 तो हो गया, अब नीचे भी आपको जो यहाँ पे 4 है इसको 20 करना है, तो आप कैसे कीजिएगा, इसके लिए भी 20 लाने के लिए आपको गुना करना होगा, तो 4 से 20 लाने के लिए आप इसमें 5 से गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 5 × 4=20 और 5 × 3=15। अब देखिए आपको हो गया ये दोनों जगह एक ही चीज़ मिल गया, यहाँ यहाँ पर भी वाई, यहाँ पर भी वाई में 20 ही हो गया, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, यही देखिए कर लिए इस टाइप से, अब देखिए आप क्या है, कुल रुपया हमारा कितना है 6300 गुना y के हिस्सा कितना है दोस्तों, y के हिस्सा में हमारा 20 आ रहा है बटा में कुल अनुपात बोल दिया है, कुल अनुपात यानी यही देखिए
कुल अनुपात 7 यही कुल अनुपात कर दीजिए दोस्तों, कुल अनुपात यही हो गया। चलिए अब आगे देखिए, आपको 6300 × 20 बटा में, लेकिन एक चीज आप देखिए दोस्तों, यहां पे 4 कैसे आ गया, यहां पे ए अनुपात नहीं होगा, हमारा जो नया अनुपात मिला है एक्स का जो अनुपात, यानी देखिए एक्स का हमारा कितना मिला, एक्स के हमारा मिला 28 और वाई के मिला है 20 और जेड का हमारा 15 मिला है, तो ए ना होगा दोस्तों, यानी 28 + 20 + 15 इसको आप लोग जोड़िए कितना हो रहा है, 20 + 20 = 40 और 8 = 48 और 15 हमारा यानी 63 हो जाएगा। यदि आप इससे गुना के इसको काट दीजिएगा तो आपका 100 बार में और 100 से यदि 20 को गुना कीजिएगा हमारा तो आ जाएगा 2000 रुपया, यानी यही जो हमारा है 2000 रुपया इसका आ गया, यानी वाई के हिस्सा में पड़ा। यदि मान लीजिए पूछ देता आपसे कि एक्स के हिस्सा में, तो एक्स के हिस्सा में पूछता तो कुछ नहीं करते, यही 6300 × एक्स का कितना मिला है हमें 28, तो 28 / 63 वही कुल अनुपात, बस यहाँ पे चेंजिंग करते इसको काट देते आपको 100 बार में और 28 × 100 करते यानी 2800। अब पूछ देता यही चीज़ जेड के हिस्सा में, तो कुछ नहीं करते फिर यहीं पे 6300 × यहीं पे चेंज करना है, जेड का कितना है 15, तो 15 / 63 से काटते, मतलब इसी टाइप से करते जाते। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसे आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कुछ उस टाइप से हार्ड देता नहीं है, जो मतलब आप लोग को सीखा हुआ ही क्वेश्चन आता है, देखिए कोई ऐसा हार्ड है क्या, चूंकि उसको भी समय काफ़ी कम रहता है वहाँ पर एग्जाम में, तो एग्जामिनर भी कुछ सोच के ही सेट करते हैं। हाँ बात अलग है कि मतलब कंपटीशन ज़्यादा हो गई है, हाई लेवल का उस टाइप से क्वेश्चन भी नहीं आता है, इसलिए ज़्यादा डरने की कोशिश मतलब डरना नहीं है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं, देखिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ एक देखिए साधारण ब्याज से है, जो अभी हम पढ़ाए भी है वही अब साधारण ब्याज से, एक देखिए क्वेश्चन क्या दे दिया है, हमारा रेट दे दिया है 10% और मूलधन है हमारा 3500 और अमाउंट दे दिया है 4500 और टी पूछ दिया है। ये देखिए ये हम निकाल के अथी किए हैं, मतलब निकाल के इसके बाद शॉर्ट में लिखे। देखिए क्वेश्चन क्या चीज़ था, बोल दिया था कि किसी 10% की दर से कितने वर्षों में 3500 रुपया हमारा 4500 रुपया में बदल जाएगा। कहने का मतलब है कि मतलब कितना समय, तो हमको रेट तो दे दिया 10%, 3500 रुपया जो हमारा 4500 रुपया में बदलेगा, यानी 3500 रुपया बोल रहा है, हमारा मूलधन हो गया 3500 रुपया, बोल रहा है 4500 रुपया में बदल जाएगा, यानी क्या, तो यानी जो हमें बाद में जो मिलेगा टोटल पैसा वो हमारा 4500 मिलेगा। तो 4500 में क्या चीज़ है, एक तो हमारा मूलधन रहेगा और एक हमारा ब्याज रहेगा। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ और हम पता कर लिए, यानी 1, 2, 3 यानी इसका जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा 1000 रुपया मिलेगा, और वही समय पूछ दिया है, समय बराबर वाट। देखिए आप सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला जानते हैं, एकदम सिंपल सा ट्रिक में, देखिए P × R × T / 100, कुछ नहीं करना, इसी पे बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज हमारा कितना दिया है, 1000 दिया है, मूलधन हमारा 3500 × रेट हमारा 10 × समय पूछ दिया है 100, ठीक है। ए दो जीरो कट गया दोस्तों। अब बात करें इस जीरो से, तो ए जीरो कट गया है। अब देखिए आपको कितना आएगा, 100 / 35 = T, यही हमारा समय आ गया है। लेकिन इसको थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए, यहाँ पे 20 × 25 = 100 और यहाँ पे 7 × 25 = 35, यानी हमारा ये समय कितना आया, समय बराबर 20/7, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 2
6-7, हाँ 7 2.6/7 ईयर वर्ष हाँ वर्ष, यही देखिए इतना में हमारा जो है यानी 4500 रुपया हो जाएगा 3500 का। चलिए दोस्तों यही हमारा क्वेश्चन था, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो दिया है दोस्तों, कहीं वैसा हार्ड दिया ये सब भी हम आपको पढ़ाए हैं, हालांकि अभी हम शुरुआत ही किए हैं, पूरा मैथ नहीं बताए हैं, लेकिन फिर भी आपको देखिए जो साधारण ब्याज हम बताए थे उसमें से क्या एक क्वेश्चन आएगा तो आप लोग नहीं बनाने पाते वहाँ पे रहते, तो काफ़ी आसानी से बना लेते दोस्तों, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन बनाया बताया हुआ है हमारा, कैसे रेट निकालना है कैसे समय निकालना है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, किसी आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल, देखिए क्या बोला, किसी आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल पूछ दिया है। देखिए अभी आपको शायद ये हार्ड लग रहा होगा, लेकिन अभी हम आपको समझा देंगे तो आप लोग तुरंत इसी को, मच्छर बैठ रहा है, हाँ अब आप लोग इसी को तुरंत बना लीजिएगा। देखिए क्या बोला है, छोटा ही बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे फिगर के द्वारा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यही ना है विकर्ण, ए रहेगा और एक रहेगा, बोल दिया है कि आयत का विकर्ण आपको दे दिया है सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और लंबाई भी दे दिया है दोस्तों, लंबाई क्या होता है, लंबाई यही देखिए, लंबाई भी दे दिया है आपको, लंबाई कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, पूछ दिया है आयत का चौड़ाई, आयत के चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल, सॉरी दोस्तों आयत का क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, जिसमें हमें लंबाई दिया है चौड़ाई निकालना है, तो यही ना चौड़ाई है दोस्तों, यही हमें निकालना है। अब आप एक बात याद रखिए, रुकिए, ये जो 12 से अभी आपको समझने के लिए देखिए, ए मान लीजिए 12 सेंटीमीटर यहाँ दिया है, यही बोल दिया है कि विकर्ण हमारा यही होगा 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर लंबाई, और यही हमको निकाल देना है। आपको पता है आयत में 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे, अब देखिए आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से आप इस भुजा को निकाल लीजिए, और उसके बाद लंबाई आपके पास 12 ही है, जितना भुजा आएगा चौड़ाई आएगा उसको गुना करके क्षेत्रफल निकाल लीजिए। देखिए कैसे, पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो यदि यहाँ पे क्या होगा, आधार न हुआ, आखिर आधार का स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही आधार यानी हमें चौड़ाई है यही तो आधार का स्क्वायर बराबर हमारा क्या है दोस्तों, तो कर्ण हमारा कितना है 15 का स्क्वायर कीजिएगा 225 माइनस लंब कितना है 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144 आएगा, और 225 में से जो हमारा 144 को घटाइएगा आप दोस्तों तो उम्मीद कितना आएगा, 5 में से 4 जाएगा 81 आएगा, यानी 81 आधार का स्क्वायर बराबर हमारा 81 आया, स्क्वायर हटाइएगा तो आपको इधर रूट चढ़ जाएगा, और रूट को हटाइएगा तो आपको इसका आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब देखिए लंबाई मिलिए गया, चौड़ाई मिलिए गया, आप क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा तो 12 गुना 9 कीजिएगा तो 12 × 9 = 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। इतना लंबा करेंगे भी नहीं, चूँकि आपको समझाने की जरूरत थी इसलिए हम इसको समझा दिए, इसका सही आंसर हमारा आ गया 108 सेंटीमीटर। चलिए दोस्त सेंटीमीटर स्क्वायर, चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसके बाद दोस्तों हम उम्मीद करते हैं पीछे वाला और पीछे का भी कराएंगे, उम्मीद है। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, कोई खास उस टाइप से क्वेश्चन नहीं दिया है। देखिए एक क्वेश्चन बोला है कि एक मोटरसाइकिल को 70,000 में बेचने पर 25% लाभ हुआ,
बेचने पर 25% के लाभ हुआ। यदि 30% लाभ उसे 30% लाभ कमाने के लिए मोटरसाइकिल को कितना रुपया में बेचना चाहिए था? 30 रुपए में बेचना होगा। हाँ, बेचना होगा। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन दोस्तों, कि एक मोटरसाइकिल को 70,000 रुपया में यदि कोई व्यक्ति बेचता है तो उसे 25% के लाभ हुआ, लाभ होता है। लेकिन अब उसका मन बढ़ गया, चाहे वह सोचा कि अगर हम 30% अगर हमको लाभ कमाना होता, 30% यदि हम अभी तो 25% में 25% हमको लाभ मिला तो 70,000 रुपया में बेचे, अगर हमको अगर अगला 30% लाभ देता तो हमको कितना रुपया होता? प्रतिशत में तो हमें पता है कि 30% लाभ चाहिए, लेकिन जो रुपया कितना होता उसका, जबकि 25% में हमारा 70,000 हो रहा है, 70,000 रुपया में यदि कोई बेचता है तो उसको 25% लाभ होता है, तो उसको 30% लाभ कमाने के लिए कितना में वह मोटरसाइकिल को बेचना चाहिए था? तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन जब भी आएगा तो देखिए कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। हम लोग इसका सबसे पहले निकालने का कोशिश करेंगे, भाई ये तो इसको लाभ होने के बाद ना हमको इतना रुपया मालूम है कि इतना रुपया में वह बेचा तो 25% लाभ हुआ, लेकिन इसका वह ओरिजिनल मूल्य क्या है, खरीदारी मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य बराबर, देखिए एक सूत्र होता है, मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बटा में 100 प्लस लाभ गुना 100, चूंकि प्रतिशत की बात किया है बोल रहे हैं, यहां में चूंकि क्रय मूल्य निकालना है इसलिए देखिए लाभ प्रतिशत यही होगा। विक्रय मूल्य कितना में बेचा हमारा है, 70,000 में बेचा है, 100 प्लस लाभ यानी 100 हमारा हो गया, लाभ कितना है 25% यानी 125 गुना 100, ठीक है। इसे आप लोग काटिए, 25 की बात करें 25 से तो 25 पचे 125 और 25 चौका 100, 5 से इसको काटिएगा आपको तो 14 पचे 70, हाँ 14 पचे 70, 1 2 3, 14,000 गुना 4 कीजिएगा आपको, आपका आ जाएगा 56,123, यानी 56,000 रुपया में वह मोटरसाइकिल खरीद लेता। अब बोल दिया 56,000 रुपया में वो खरीद लेता, 25% लाभ उसको मिला, 70,000 रुपया में बेच दिया। अब बोला है कि 30% की लाभ उसे चाहिए तो वह ई मोटरसाइकिल लेवा के कितना में बेचेगा? तो देखिए आप इसको दो विधि से कर सकते हैं, यदि आप 56,000 का 30% निकाल किए, 1 2 1 2, उसके बाद आप गुना कीजिए इसको कितना आएगा, 300 और 3 6 3 18 5 3 15 16, यानी इतना देखिए आएगा, ये 16,800, यानी इसका 30% निकाल के जितना में उसका मूल्य था उसको आप लोग जोड़ दीजिए इसको में, 16,800 तो आपको आ जाएगा 72,800, या फिर डायरेक्ट आप निकाल लीजिए इतना नहीं कीजिएगा तो, छप्पन हज़ार का 130% निकाल लीजिए डायरेक्ट आपका आ जाएगा 10। अब इसको मान लीजिए 10 ये वाला पहले से है, ये है, ये 0 लिख दिए, अब 13 से आप 0 में कीजिएगा गुना 13 0 0, 13 से 6 कीजिएगा 13 गुना 6, 13 6 78 के 8, हाँ सेल 7, 13 5 65 और 72,800 रुपया, यहाँ में इतना में, यानी वह यदि उसको 30% लाभ कमाना होता तो वह उसको इतना में बेचता, यही देखिए। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रतिशत चाहे कुछ भी हो, हम जो पढ़ाएं मतलब हम अपना
के बारे में नहीं बोल रहे हैं, मतलब जो हम पढ़ाए उस टाइप से, यदि उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आया है वो हम आप लोग सोल्व कर लीजिएगा यदि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो। और उतना ज़्यादा कोई जो हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आया है। चलिए दोस्तों छोड़िए वो सब बातें, अब हम लोग आज का अपना अंतिम क्वेश्चन की ओर देखेंगे। देखिए अब एक एकदम छोटा सा क्वेश्चन डाल दिया है, कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी। देखिए कौन सी संख्या, तो सबसे पहले हमको यह नियम जानना होगा कि 11 से कैसी संख्या विभाजित होगी। तो देखिए दोस्तों जब सम और विषम क्रमांक की संख्या को जोड़कर घटाया जाए तो यदि शून्य अथवा 11 से तब वह संख्या विभाजित होगी। देखिए दोस्तों कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी, तो बोला है कि जब सम और विषम क्रमांक की संख्या को जोड़कर घटाया जाए तो यदि 0 या फिर 11 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या प्राप्त हो तो वह जो है 11 से विभाजित होगी। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे दिया है 809781। अब इसमें बोला कि सम और विषम, तो ये देखिए पहला ये हमारा विषम हो गया, विषम ये हमारा सम हो गया, ये हमारा फिर विषम हो गया, ये हमारा सम हो गया, ये हमारा विषम और ये हमारा सम हो गया। देखिए हमारा ऑप्शन यही दिया है सम विषम सम सम विषम सम विषम सम विषम। अब बोला है कि विषम और सम संख्या को जोड़कर एक दूसरे से घटा दीजिए, तो पहले आप विषम को जोड़िए, तो विषम हमारा एक, उसके बाद 7 8, 8 के बाद 0, ओकर बाद नहीं है, यानी हमारा 8 आया विषम संख्या माइनस। अब सम संख्या को जोड़ दीजिए तो 8 और 9, 8 9 17 17 और हमारा 8 कितना हो जाएगा 25। इसे आप घटाइएगा कब 0 आएगा, यानी यह ऑप्शन हमारा सही नहीं है, यानी ए नहीं होगा। देखिए इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा ऑप्शन से ही आपको देखना होगा। अब बी में देखिए हमारा दिया है 10 7 6 1 1, इसे आप लोग जोड़िए विषम संख्या को 1 6 7 7 और 0 यानी 7 माइनस। अब सम को जोड़िए 1 7 1 8 और 1 9, यानी इसे भी आप लोग घटाइएगा तो 0 या फिर 11 से विभाज्य नहीं आएगा, यानी ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारा देखिए सी में क्या ऑप्शन दिया है 11 65 71 11 65 71, इसे आप लोग जोड़िए। देखिए पहले विषम संख्या को जोड़िए 1 और 5 6 6 और 1 7, अब इसमें से माइनस कीजिए। अब सम संख्या को जोड़िए 7 6 13 13 1 14, यानी 7 में 14, यानी ये भी हमारा नहीं होगा। अब जो जब तीन को ऑप्शन हो भी नहीं किया तो जो चौथा हमारा ऑप्शन है 6 3 3 9 1, हमारा यही हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, पहले आप विषम संख्या को जोड़िए 1 और 3 3 और 1 4 4 और 6, हमारा कितना हो गया दोस्तों 10 10 हो गया, 10 हमारा आ गया विषम संख्या। अब आप इसे 9 3 कितना हो जाएगा 9 3 12 12 और 9 हमारा कितना आ जाएगा 21, 21 में से आप 10 को घटाइएगा हमारा 11 आ जाएगा, 11 जो हमारा 11 से विभाज्य है, इसलिए इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।